हालात। जनाब आज दे वकूए दे बारे च गल करने आ। साडे पिंड आ जुमे दे टाइम ते दोपहर नूं मुड़ा इत्थे साडा एक अली उहदी हुण गल तुहानूं सारी थोड़ी सुनानी चाहीदी है, थोड़ा टाइम भी लिओ। 2005 मैं अमेरिका तो आया, 2-3 साल मेरे नाल रहा। इंतहाई शरूट ते चलाक ते शियार आदमी है। कई इहदे रूप ने, कदे कोई रूप धार लैंदा, कदे कोई रूप धार लैंदा। सारे साडे जलालपुर जट्टां नूं पता है कि कब्ज़ा ग्रुप है बड़ा वड्डा, एक कब्ज़े करदा है, कीते कब्ज़े भी सामने ने, कोई बंदा आके उहदी तहकीक कर ले। इन्हें अज 2009 च एक ठट्टा मूसा पिंड साडे कोल, उत्थे दे एक बहुत शरीफ आदमी सन हाजी इकबाल साहब, उन्हां नाल कोई गड़बड़ होई, उन्हां दे पिंड दीयां जनानियां नाल इन्हां ने कोई गड़बड़ कीती, इन्हां ते डकैती दा परचा हो गया, कोई $10,000 उन्हां कोल खो लिया। मेरी गैर मौजूदगी च, मैं इस्लामाबाद सां, मैनूं पता नहीं, वो इन्हां दे परचा होया। इन्हां दा इल्ज़ाम सी कि साडे ते हाजी इकबाल साहब ने परचा कपाया। उस सिलसिले च कोई गुजरात इनकुआरी सी, वो सारे जहान नूं पता है, हाजी इकबाल साहब उन्हां दे लवाकीन नूं भी पता है, मैनूं भी पता है। इन्हां ने वो बंदा मार दिता छोटी जी गल तों। वो बंदा मारिया मेरे चूके कोल हुंदा सी, नाल हुंदा सी, वो मैं भी बिच उस परचे दे आ गया। हुकूमत उस वेले मुहालफ सी, वो सारिया रल मिल के बजाए मेरी बेगनाई कबूल करने दे, बल्कि मैनू होर रगड़ा दिता। 7 साल मैं बेगना जेल च सजा मौत की कोठड़ी च कढ़े। अल्लाह तबारक व तआला ने अपना फजल ते करम किया, अपनी माँ दीयां दुआवां नाल, अपने अजीज़ो कारब दोस्तों भैणा भाइयों दीयां दुआवां नाल अल्लाह तआला मैनूं हाई कोर्ट चों बरी किया। बरी हो के जिहड़े वेले पिंड आए तो मैं इहनूं बुला के कहा, मैं कहा यार तू इस तरह कर कि मैं तेरे गुनाहां की बड़ी सजा भुगत चुकिया, हुण तू मैनूं माफ़ी दे दे, तू अपना काम कर, मैनूं अपनी जिंदगी गुजारन दे। लेकिन ये मेरे नाल बज़िद रहा, आओ रल के काम करिए, ऐ करिए, ओ करिए, जो ये पुठे सीधे काम सन। मैं कहा नहीं यार, मैं मेरी उम्र भी नहीं, मेरे को बच्चे छच्चे भी जवान हो गए ने, तो तू मेहरबानी कर, मैं तेरे किसी मामले दखल नहीं देना चाहता। उसके बाद इन्हें एक साढ़े गुजरात के इतने सियासतदान ने आबद रजा साहब, उन्होंने हर बंदा जानता है वो किस कमाश दे ने, की उन्होंने सियासत है, की वो करते ने, उहदे नाल इहनां दी अफिलीएशन हो गई। वह सारा दहशतगर्द ग्रुप है, ये भी दहशतगर्द नाल रल गए, इको जिहियां ना दाड़ियां टोपियां रख लिया, 10-12-15 बंदे रल गए, कभी उधरों फोटो खिंच के फेसबुक पर चढ़ा रहे हैं, कभी उधरों फोटो फेसबुक पर चढ़ा रहे हैं, असी ये करना जी, असा इंज करना जी, उन्होंने बुला के इतने जलसा कराना जी। साड़ी को 35 साल पहला 1997 की गल है, साढ़े पिंड कोई दुश्मनी हुई, वो मेरे दो भाई मर्डर हो गए, एक चौधरी अकरम चेयरमैन मरहूम, एक मेरा चाचे का पुत्र लिट्टू। ये ग्रुप सी मिठू वगैरह, अच्छू तो फाकू वगैरह, उस ग्रुप ने साडे बंदे मारते, सानू भी बंदे जानते ने, उन्होंने भी बंदे जानते ने। उस तो बाद बड़े नुकसानात होए दोवां घरां दे, अल्लाह का शुक्र है वो मामला लोगों ने विच पै पू के सुलह छला करा दी। अरसा 20 साल तो ना कभी उन्हें सानू कुछ आख्या, ना असा उन्होंने कभी कुछ आख्या, ना उन्होंने खानदान चो एक बंदा मिठू उर्फ अकरम उर्फ मिठू बच गए है, उन्हें भी कभी कोई साढ़े नाल माड़ी नहीं की, चंगी नहीं की, असा वो नहीं चंगी माड़ी की। ये अली दी बैक ते एक तो आबद रजा साहब ने, एक जमालपुर का मुड़ा एक सैयद तसीफ शाह, वो सैयद तसीफ शाह हरिए वाले पिंड दे चौधरी शाहिद अमीद होंदे सन, MLA भी सन, आज़ाद कश्मीर दे मिनिस्टर भी सन। वो छोटी जी गल अदालत च होई तो तसीफ शाह ने उन्हें कतल करता। वो शाहिद अमीद साहब के कतल च 19-20 साल जेल चो सजा भुगत के आया। इन्हां सारिया दी अफिलीएशन जेल च होई, जेल च ग्रुप बन गए। मैं जरा दूर रहिंदा सां इस तरह दे लोगों तो, तनाई नाल अपना वक्त उत्थे गुजारना, अल्लाह तौबा करनी। ये सारा एक ग्रुप जिहा बन के वो तसीफ शाह भी बरी हो गया, ये भी बरी हो गया, और भी 2-4 इन्हां दे नाल दे बरी हो गए। वो स्टिल इन्होंने ग्रुप जिहा बनाया है,
वो सारे कब्जा ग्रुप तो लोगों तंग करना तो एवं खा महा वीडियो चलानिया तो लोगों दिया इज्जत उछालनिया। तो मैं उन्होंने भी बड़ा मना किया, वो लवाकीन भी आख्या सदात फैमिली के बहुत ज़्यादा बंदे साढ़े मेहरबान ने साढ़े दुआगो ने असी उन्होंने ताब्यादार भी हाँ मोमदीपुर मदीने तू जलालपुर जटा। उन्होंने भी उन्होंने समझाया आख्या शाख्या लेकिन वो कोई नहीं हो डगर वो तो मैं कतल कराने ते राजी है तो कराना ये हथों से। मैं इनू भी दो त्रै बारी समझाया और मैं क्या यार छड़ दे इस बंदे का खत्ता इन्हें या तेनू मरवाना तो या मैनू मरवाना तो उस दिन इन्हें साड़ी जान छड़नी। लेकिन वो पता नहीं की मिशन है उन्हें आके इतने अपने सैयद बरादरान ने आशम शाह साहब तो मोहसन शाह उन्होंने भी नाल मिला लिया। ये कोई दस भी पंजाब बंदियां दा ग्रुप बन गया और मेरे खिलाफ इन्होंने मात डाल लिया। अब्दुल रज़ा साहब इन्हों की पिछू बैक कर लग पे। हूँ तक जो मैं जेल चो आया तीन चार पाँच बकूए हो चुके हैं। एक दिन इन्हें एक लड़का कोई इन्हों घर वड़िया ये सहरिया के घर वो पता नहीं की वो मामला सी इन्हें वो चोरी की दरखास्त दे दी। मेरे वो दोस्त का बेटा है मैं इन्हू बड़ा समझाया मैं क्या यार बच्चे ने छोटे तो इन्हों थाने थपाने किधर खड़ते हो छोटे छोटे मामलात ने उन्होंने सुलह शलह करा दी। वो भी बड़ा इशू इन्हें मेरे वास्ते बनाई रखा। वो तो बाद दो तीन वाकयात इन्हें किए फिर वीडियो भरिया जी मैनू गलत फहमी हो गई है मेरे को गलती हो गई है। एक तो मैं वाजिया कर दिया कि ना मेरा भतरीया तो ना मैं चाचा ये तो फोर्थ कोई चौथी थान जाके साडा दादा पड़दादा कोई एक बनता बरादरी चो। लेकिन मेरी गलती मैं मेहरबानी की इन्हू नाल ला लिया वो मैं सजा सारी पे भुगतना। तो एक जनाब ये दो तीन चार बंदे ने जिन्होंने साढ़े इलाके से बदमनी तो शरारत सारी शुरू की कहता दो त्रै थाने दरहासा ने एक दिन मेरे बूहे नू फायर वजा राती ढाई बजे वो भी वीडियो मौजूद है। ईद वाले दिन इन्हें राती फायरिंग की वो भी दरहास मौजूद है। मौके तो आके पुलिस ने खोखे चुके तफतीश हुई इन्हों पुछया ना क्या जी असी सारे सुते सो मैं क्या इन्हों मोबाइल चैक कर लो अगर ये सुते हुए तो मोबाइल खामोश हो अगर जागते हुए तो मोबाइल बोलते हो। पुलिस ने मोबाइल चैक किए तो सारे जिन्हें मुलव्वज़ सन सारी रात एक दूजे नाल गल्लां करते रहे। तो इस तरह के छोटे छोटे वाकयात ने यह फिर जिनी दफा को वाकया होंदा मेरे नाल ज़्यादती हुई मेरे नाल होंदी मेरे बूहे अगे है जी। हूँ कोई 18-19 साल बाद मेरे तीन बेटे होंदे ने अमेरिका वो कभी कोई एक आउंदा सी एक नहीं सी आउंदा कभी मैं जेल च सां इधर सां उधर सां। असी उस दिन